आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या शादी और परिवार मेरे आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकते हैं या ये रुकावट है? अगर आपको केवल अपने आध्यात्मिक विकास से मतलब है, तो अगर आपका पार्टनर एक राक्षस हो ना, तो सबसे बढ़िया होगा। अगर आपका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक विकास है तो, पर आपका पार्टनर, आपके पति पत्नी सिर्फ आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होते, आपको परिवार में एक खुशनुमा जीवन भी चाहिए होता है, तब आपको किसी ऐसे को चूज करना होगा जिसे आप पसंद करते हैं। पर वो थोड़ा, इस धरती के हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो आपको पसंद नहीं आता है, कि नहीं? तो आप उस हिस्से को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए काम में लाइए और बाकी बचे का आनंद लीजिए, बस एक जीवन की तरह। तो अगर आपका इरादा एक अच्छा परिवार पाने का है, तब दो लोगों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। खासकर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, तब तो तालमेल होना ही चाहिए, नहीं तो आप उस नए जीवन को खराब कर देंगे जो अभी भी आया है। अगर आपने एक गंदा माहौल बनाया, तो आप उस जीवन के साथ गलत कर रहे होंगे जो अभी खिल रहा है। यह हक किसी को नहीं है, पर लोग ऐसा कर रहे हैं। आप खुद को जितना मर्जी उलझा सकते हैं, यह आप पर है, पर आप उस नए जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जो बस अभी विकसित हो रहा है। काश कि बच्चे पैदा करना और कठिन काम होता, ये बहुत ज्यादा आसान है, ये कितनी आसानी से हो जाता है ना? अगर ये और ज्यादा कठिन काम होता, तो सिर्फ वही उस रास्ते पर जाते जो सच में जाना चाहते हैं। अभी ये इतनी आसान चीज है, मजबूरी में हो जाने वाली चीज है, बस यूं ही ये हो जाता है। तो अगर आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, घर परिवार वाली जिंदगी, तब आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। और इस तालमेल के लिए कम से कम कुछ चीजों में आपसी समानता होनी चाहिए। पर अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसा है। आप हर चीज को अपने विकास के लिए काम में ला सकते हैं, हर चीज को अपनी उन्नति के लिए, अगर आपका फोकस केवल इसी पर है तो। पर आमतौर पर आपका फोकस दोनों तरफ होता है, आपको थोड़ा वो भी चाहिए और थोड़ा सा ये भी, ये मिला जुला खेल है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आपको बस एक बॉल को उछाल कर कैच करना हो, ये उछाली और कैच कर लिए, ये आसान है। अगर आपको दो करनी है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। आपको तीन करनी हो, और मेहनत लगेगी। आपको पांच करनी है, मुश्किल है ना? तो आप अपने जीवन में कितनी बाजीगरी करना चाहते हैं, ये चुनाव हर व्यक्ति को करना होता है। अगर आप आसानी से एक साथ 12 गेंदें उछाल कर कर्तव्य कर सकते हैं, तो कमाल है। पर ज्यादातर लोग पागल हो जाएंगे अगर वो दो या तीन से ज्यादा के साथ ऐसा करने की कोशिश करें तो। ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो इसी रेंज में रहें, या बस एक ही बॉल के साथ खेलें, केवल आध्यात्मिक बॉल से। यह आसान होगा, है ना? केवल आध्यात्मिक बॉल से उनके लिए बड़ा आसान होगा। सोते सोते भी वो एक बॉल के साथ खेल सकते हैं। दो के साथ ये थोड़ा जटिल हो जाता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, ये और भी जटिल होता जाएगा। अब आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, आपको एक बढ़िया पारिवारिक जीवन चाहिए, आपको एक अच्छा पति बनना है, अच्छी पत्नी, अच्छा पिता, अच्छा पड़ोसी, सामाजिक रूप से सक्रिय होना है, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप दुनिया जीतना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कई सारी चीजें करना चाहते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर इसके लिए अलग अलग स्तर की क्षमताएं चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है, पर आपको ये देखना होगा कि आप कितनी चीजें करने में सक्षम हैं और कितनों के लिए नहीं है। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा गेंदें उछालने लगेंगे, तो आप भटक जाएंगे पूरी तरह से। ये आपको बिल्कुल पागल कर देगा। ये जीवन की साधारण चीजें हैं जो लोगों को तोड़ रही हैं, है ना?
बस जीवन चलाने की कोशिश है, बिजनेस में सफल होने की कोशिश है, एक अच्छा परिवार बनाने की कोशिश है। ये चीजें लोगों को टुकड़ों में तोड़े डाल रही हैं। लोगों के दिमाग खराब हो रहे हैं, उनके दिल टूट रहे हैं, वो खुद की जान लेने की कगार पर हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही गेंदों वाला करतब करने की कोशिश में हैं, जो कि आपके बस के बाहर की बात है। क्या ये गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बस ऐसा है कि जब आप अपनी क्षमताओं से कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आप बावले हो जाते हैं, क्योंकि आपने पांचों गेंदों में निवेश कर रखा है और अगर इनमें से एक भी गिर गई तो आप पागल हो जाएंगे। आपका बिजनेस सफल है पर आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या आप ठीक रहेंगे? नहीं। आपके बच्चे बढ़िया हैं, पत्नी बढ़िया है पर बिजनेस डूबा जा रहा है, आप ठीक रहेंगे? नहीं। या फिर ऐसा हो कि सब कुछ तो ठीक है पर आपकी सेहत ठीक नहीं है, ठीक रहेंगे आप? नहीं। तो ये ऐसा ही है, अगर एक बॉल भी नीचे गिर गई तो ये आपका दिमाग खराब कर देगी, है ना? बाकी सब बढ़िया है, बस एक गिर जाए वही समस्या बन जाएगी, है ना? तो तालमेल बनाने के लिए कोशिश लगती है, समझौते करने पड़ते हैं, प्यार चाहिए, सहनशीलता चाहिए होती है ना? कोई लगातार एक ढंग का है। You want to build rapport with that person, but you don't want to go his way. That takes lots of endurance. और आप उसके साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं पर उसके तरीकों पर चलना नहीं चाहते, इसके लिए बहुत सारी सहनशीलता चाहिए, हाँ है ना? जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ रहना आसान नहीं है। ऊपर से आपको कहा जाता है कि अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करो। आपके अंदर सबसे ज्यादा कष्ट उन लोगों की वजह से होता है जिनसे आप प्यार करते हैं, ऐसा ही है ना? हमेशा। तो अगर आप पड़ोसियों से प्रेम करें तो आप सारी दुनिया से प्रेम करेंगे और ज्यादा करेंगे, पर वो आसान है। सारी दुनिया से प्रेम करना आसान है क्योंकि आपको किसी को प्रेम नहीं करना होता, ये बस एक धारणा है। तो आप करें क्या? एक चीज ये कि आप खुद को ऐसे रूपांतरित कर लीजिए कि आपकी उपस्थिति में अनजाने में ही उनकी दिशा बदल जाए। अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, पर अगर आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इसके लिए पर्याप्त कोशिश करनी पड़ती है। जब गौतम से ये सवाल पूछा गया किस मार्ग पर अकेले चलना बेहतर है या किसी साथी के साथ, वो मेरी तरह नहीं है, वो सूखा जवाब देते हैं। उन्होंने कहा अकेले चलना बेहतर है बजाय किसी मूर्ख के साथ चलने के। वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी के साथ मत चलो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि साथी मत बनाइए, पर वो कह रहे हैं कि अकेले चलना बेहतर है बजाय किसी मूर्ख के साथ चलने के, क्योंकि वो आपको निचोड़ सकते हैं, वो आपकी इतनी सारी ऊर्जा और समय ले सकते हैं, और आपको क्या पता वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और वो आपको अपने रास्ते खींच कर ले जा सकते हैं बजाय इसके कि आप उन्हें अपने रास्ते ला पाए। बहुत संभव है, हाँ? तो मैं वो नहीं कहूंगा जो गौतम ने कहा है, मैं बस इतना कह रहा हूं। It doesn't matter how you walk, as far as your spiritual process is concerned, anyway you're alone. कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चलते हैं, जहां तक आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का सवाल है आप वैसे भी अकेले ही हैं, कोई आपके साथ नहीं है। केवल ये शारीरिक चीजें, बस जो जीवन की भौतिक चीजें हैं उन्हें आप लोगों से बांट सकते हैं। आप अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, है ना? अगर आपका जुड़वा भाई या बहन भी हो तब भी आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, है कि नहीं? तो जब बात आत्म की हो तो आपको वैसे भी अकेले ही चलना है, तो इन चीजों को मिक्स मत कीजिए। इसलिए अपने उस हिस्से को आप अच्छे से संभालिए
और भौतिक वाले हिस्से को अपनी क्षमता अनुसार जितना आपसे हो सके आप कीजिए। अगर वो आपके साथ आए तो बहुत बढ़िया होगा, अगर वो नहीं आते तो उनसे द्वेष मत रखिए। बस इतना है कि आपको उनके रास्ते नहीं जाना है। शायद किसी दिन जब डॉक्टर उन्हें बताएगा कि उनका लिवर गड़बड़ है, तब वो शायद दिव्यता को खोजें। आपने देखा है, लोग होते हैं जो सुबह टहलने जाते हैं, हर कोई नहीं, ये कुछ खास तरह के लोग होते हैं, सभी लगभग 50-55 की उम्र के ऊपर वाले होते हैं। वो दुबले हो चुके हैं और वो तेज तेज चलते हैं, हर रोज बिल्कुल नियम बनाकर वो जाते हैं। ये आमतौर पर वो लोग हैं जिनको दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो लगभग मर ही गए थे, तभी उनके डॉक्टर ने उनको बताया या तो ये कीजिए नहीं तो आप गए। अब उनका चलना वैसे है जैसे कोई धर्म निभाता है, खाली संडे की सुबह नहीं, हर सुबह। आपने ऐसे लोग देखे हैं? अचानक वो बदल जाते हैं, वो ठीक से खाते हैं, हर चीज ठीक से करते हैं, क्योंकि जीवन और मौत का डर बैठ गया है। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का प्रोत्साहन चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो आप बस देखकर समझ जाएंगे, अगर आप समझदार नहीं हैं तो आप मार खाकर सीखेंगे, जिंदगी आपको मारेगी। तो आप ये पक्का कीजिए कि अपने जीवन के आध्यात्मिक हिस्से को आप 100% ठीक से संभालें। आपके जीवन का भौतिक हिस्सा कभी भी 100% ठीक नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है ना? ऐसी कोई फैमिली होती है क्या जो परफेक्ट फैमिली है? ऐसा कोई रिश्ता होता है क्या जो परफेक्ट रिश्ता हो? ऐसा कोई बिजनेस होता है क्या जो परफेक्ट बिजनेस हो? ऐसा कोई करियर होता है क्या जो परफेक्ट करियर हो? ऐसी कोई चीज नहीं होती, मत खोजिए उसे, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा और बस काल्पनिक रहेगा अगर आप ऐसी चीजें खोजेंगे। ये बस उसी हद तक हो पाते हैं जितनी संभालने की आप में क्षमता होती है, बस। ये ठीक है अगर वो बर्बादी पर नहीं उतारू हैं तो ये चलेगा।